वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.1। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट वीडियो में बेटा अपन ने क्या देखा था, कुछ बेसिक्स देखे थे, ठीक है, नए फॉर्मूलेज देखे थे अपन ने। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बेटा तो फिर ये वीडियो अभी मत देखो, पहले वो वाली देखो, उसके बाद में ये वाली देखो, तब जाके ये समझ में आएगा। ओके, पहले वो वीडियो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी। ये हमें डिटरमाइन करना है बेटा, ठीक है। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है बेटा, है ना, क्या दिया गया है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ध्यान से देखो, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा, ठीक है। और इसने बोला राइट एंगल मतलब एंगल बी एट राइट एंगल, तो ये हमने बना दिया, ये रहा राइट एंगल। फिर इसको आप ए और इसको बी, ओके। और हमें क्या दिया गया है, AB इज इक्वल टू क्या दे दिया गया, अच्छा इसको सी कर लो, ये रहा सी। AB इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है बेटा, 24 सेंटीमीटर, ओके। फिर उसके बाद में बेटा BC हमें कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है। अब देखो ये वाली साइड अननोन है ना, तो इसको हम किससे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पता है आप लोगों को क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके बेटा। हाइपोटेनियस हमारी क्या है, अभी इस ट्राइंगल के लिए क्या है, देखो AC, ओके, ये है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P क्या है बेटा हमारे पास में, परपेंडिकुलर, AB इज अ परपेंडिकुलर, सो 24 स्क्वायर एंड बेस कितना है हमारे पास में, 7, ओके, तो 7 का स्क्वायर ये आ गया बेटा, ओके। फिर AC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 576, 576, ओके। एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 49, ओके। अब इनको आप ऐड करिए, सो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 हो जाएगा ऐड करने पे, ओके। अब आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, ओके, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ AC, तो हमने AC फाइंड कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेटा सबसे पहले यही काम करना है कि जो अननोन साइड है ना, सबसे पहले तो उसको फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो ये कितनी आ गई बेटा अब, 25 सेंटीमीटर, ओके। चलो अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमसे ये कह रहा है कि हमें साइन ए फाइंड करना है एंड कॉस ए फाइंड करना है, ओके, ये हमें फाइंड करना है। चलो तो साइन ए, तो एंगल देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ए है ना, बस इसको रख लो आप, ये है आपका एंगल ए, तो ये रहा एंगल ए। अब यहाँ से देखो आप हमेशा, ठीक है। चलो अब आपको ये फॉर्मूला पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, याद है आपको, ये होता है आपका साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन, ओके। चलो तब ध्यान से देखो बेटा, अब एंगल ए है तो यहाँ से डिसाइड होगा कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, आपका बेस क्या है और आपकी हाइपोटेनियस, जबकि हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होती है, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला, तो ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपका हो जाएगा बेस, ओके। चलो अब हमारे पास में साइन ए, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, देख के बताओ, 7 है, हाइपोटेनियस 25 है, ओके। फिर ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, कॉस ए भी निकाल सकते हैं, कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। अब बेस देखो क्या है बेटा, 24 है,
तो 24/25, तो ये हमने कॉस ए भी फाइंड कर लिया। ओके, अब सेकेंड पोर्शन में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, साइन सी एंड कॉस सी, ये हमसे पूछा है। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब एंगल चेंज हो गया है ना, क्या हो गया बेटा, एंगल चेंज। अब देखो ये वाला एंगल आ गया, ठीक है, क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, साइन सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच, लेकिन अब एंगल चेंज हुआ है तो एंगल के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखो इसके फ्रंट वाली साइड कौन सी है, ये दिख रही ना ए बी, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा बेटा 24, ओके, और बेस क्या बन जाएगा आपका 7, ये आपका बेस बन गया, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो यही रहेगी, ओके, ये आपका बेस बन गया, ये देखो ग्रीन कलर से हम बता रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो एज इट इज रहेगी। सो 24/25, ठीक है, ये बन गया आपका साइन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देन उसके बाद में बेटा हमें देखना है कॉस सी, ओके, सो कॉस सी, कॉस क्या होता है हमारे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों ध्यान से देखो, बेस क्या है हमारे पास में, इस एंगल के हिसाब से ये रहा बेस 7 और हाइपोटेनियस, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, यहाँ बता दूँ, सो कॉस सी इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा, बेस था 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस थी बेटा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आया समझ में बेटा, इतना क्लियर, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक है ना, बिल्कुल आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे ही एंगल चेंज होगा तो हमारा देखने का भी नज़रिया चेंज हो जाएगा, ठीक है, कैसे कि आप पहुँच जाएंगे उस एंगल पे और उसके फ्रंट वाली साइड देखेंगे जिसको आप बना लेंगे परपेंडिकुलर, जिसको आप बना लेंगे परपेंडिकुलर। बार बार सुनो इस चीज़ को, हमेशा एंगल के फ्रंट में जो साइड है, जो आपसे पूछा गया है एंगल, उसके फ्रंट वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर, और उससे जो एडजेसेंट है उसको आप क्या ले लेंगे बेटा, बेस ले लेंगे। आया इतना समझ में, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करें इसी पे, पहले इसको नोट कर लो, चलिए बच्चों। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन फिगर, ये फिगर आपके पास में गिवन है जिसमें 12 सेंटीमीटर एक साइड गिवन है, एक साइड 13 सेंटीमीटर गिवन है, और फिर से एक साइड हमारे पास में क्या है बेटा, अननोन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10p माइनस कॉट आर आप फाइंड करके बताइए, ये हमें फाइंड करना है बेटा, ओके। चलो तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करें अपन, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें ये वाली साइड फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाएंगे, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको तीनों साइड का पता होना चाहिए कि तीनों साइड है क्या, ओके, मतलब तीनों साइड नोन होनी चाहिए बेटा, दिस इज द मस्ट कंडीशन फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, क्लियर। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, चलो लगा लें आप पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। हाइपोटेनियस कितना है बेटा हमारे पास में, पी आर है ना, जो हमारे पास में गिवन है उसके हिसाब से तो अभी पी आर है। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, 12 पी क्यू है ना, पहले पी क्यू रख देते हैं, पी क्यू, ओके, फिर बेस कितना है बेटा, क्यू आर, ओके, ये हमने रख दिया। पी आर कितना है बेटा हमारे पास में, ध्यान से देखो 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू कितना है बेटा हमारे पास में, 12 सेंटीमीटर, सो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्यू आर कितना है हमारे पास में, कुछ भी नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है, ओके, क्लियर बेटा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 144 हो जाएगा। एंड क्यू आर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि अभी इसको हमें फाइंड करना है, ओके।
चलो अब नेक्स्ट आगे आते हैं अपन, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, 144 को यहाँ लेके आ जाएं। सो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 169 में से अगर आप 144 को माइनस करते हो तो कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। फिर उसके बाद में बेटा क्यू आर का होल स्क्वायर, अब दोनों साइड पे आप क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 25 किसका होता है, 5 का होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू आर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई बेटा, 5 सेंटीमीटर मिल गई। कितनी मिल गई, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में तीनों साइड है, अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है बेटा 10p माइनस कॉट आर, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि 10p क्या है। ओके, चलो अब करें अपन 10p। सो 10p इज इक्वल्स टू है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, चलो अब P एंगल देखो कहाँ पे है, ये है P एंगल। ओके, अब इसके फ्रंट वाली साइड हमेशा क्या रहेगी बेटा, परपेंडिकुलर रहेगी। क्लियर, तो ये रही परपेंडिकुलर, ये इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटा, बेस है। एडजेसेंट साइड विल बी बेस एंड फ्रंट साइड विल बी परपेंडिकुलर। ओके, तो आपके पास में परपेंडिकुलर है 5। ओके, एंड बेस कितना है बेटा, 12। तो ये आपके पास में 10p की वैल्यू आ गई। ओके, क्लियर। नाउ और क्या चाहिए हमें, कॉट आर चाहिए, है ना, क्या चाहिए बेटा, कॉट आर चाहिए। तो कॉट आर क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। अब आर के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आर के लिए हमें इस एंगल के पास में आना पड़ेगा, क्योंकि एंगल आर यहाँ पर प्रेजेंट है ना। अब इसके फ्रंट वाली साइड देखो, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 5/12। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5/12। क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये एंगल चेंज हुए हैं इसीलिए ये सेम वैल्यू आ रही है। ओके, अगर यहाँ पे भी कॉट पी रहता तो 5/12 नहीं आता, 12/5 आता। आया समझ में, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना, जस्ट हम अपोजिट कर देते हैं। ओके, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 10p माइनस कॉट आर, यही हमसे पूछा है। तो 10p की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, ये देखो, ये रही 10p की वैल्यू, 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू, ये रही बेटा, तो कितनी आ जाएगी, 5/12। तो ये कैंसिल आउट हो गई और ज़ीरो आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखिए अब, है ना। चलो हो गया बेटा इतना नोट, क्लियर यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको कराएंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको कराएंगे, ठीक है बेटा, क्लियर, नेक्स्ट क्लास में। ओके, आया समझ में, नोट कर लो इसको। चलो अभी करा देते हैं हम आपको, है ना, एक क्वेश्चन है करवा ही देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग इसके बाद वाला प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलो देखो बेटा ध्यान से, ये हो गया, चलो